स्वागत है आपका लखनऊ लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। हाजिर हूं एक बार फिर आपके शहर की खबरों को समेट कराने आपसे रूबरू। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देखते हैं आपके शहर में आज क्या कुछ हलचल रही, क्या खुशियां आपके शहर से। दिवाली को लेकर के शॉपिंग बहुत जोरों से हो रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि दिवाली में अब कुछ ही दिन बच गए हैं। दिवाली और होली एक ऐसा त्यौहार है हिंदुस्तान का जिसमें लोग शॉपिंग खूब करते हैं, जम के करते हैं। और दिवाली की बात करें तो घर को जितना खूबसूरत बनाने की ओर में लोग रहते हैं, उतनी ये भी देखते हैं कि और क्या कुछ चीजें हैं मार्केट में जिससे खुद को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। लेकिन दिवाली के पीछे की मान्यता पूजा पाठ से ही है। दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है, विधिवत पूजा अर्चना होती है। कहते हैं उस दिन अगर आप गणपति बप्पा और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधिवत करेंगे, उन्हें खुश करेंगे, तो उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहेगी, धन की वर्षा होगी आपके घर में। मूर्तियां अमीर हो या गरीब हो, हर कोई खरीदता है। मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों का प्रचलन है, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड जो है बदल रहा है। बहुत डिजाइनर्स मूर्तियां मार्केट में अवेलेबल हैं, आप जाइए खरीदिए। लखनऊ में अगर आप हैं तो लखनऊ में कई ऐसे टेम्पररी शॉप खास करके दिवाली के दिन में लगा करते हैं, जहां पर दिवाली से एक हफ्ते पहले ये दुकानें लगती हैं और फिर गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां डिफरेंट डिफरेंट कोलकाता से यहां मंगाई जाती हैं, क्योंकि लोग यहां पर बहुत शौकीन है। नवाबों का शहर भी है लखनऊ, तो हो भी क्यों ना। देखिए मेरी ये स्टोरी कि कहां पर गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां हैं इस बार, क्या कुछ खास है मार्केट में आपके लिए। दिवाली को लेकर के जहां बाजार सच करके तैयार है, वहीं दिवाली का जो अभिन्न हिस्सा, अभिन्न अंग है, वो होता है लक्ष्मी गणेश का पूजा। जी हां, इसी की पूजे से हम दिवाली की शुरुआत करते हैं। इनकी पूजा विधिवत की जाती है और यहां पर देखिए बहुत सारी मूर्तियां हैं गणेश और लक्ष्मी के, बड़ी और छोटी हर साइज के आपको मिल जाएंगे। आसन पे बैठे हुए मिलेंगे या फिर जो उनकी सवारी होती है लक्ष्मी माँ का, जो सवारी है उल्लू, या फिर वो कमल के आसन पे भी विराजमान रहती है, हाथी पे बैठी हुई रहती है। वहीं गणेश भगवान की बात करें तो वो अपने मूसक वाहन पे सवार रहते हैं। ये दोनों मूर्तियां जो है यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, हर साइज में अवेलेबल है, क्योंकि अमीर हो या गरीब हर कोई माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा दीपावली के दिन जरूर करते हैं और बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। पहले सिर्फ मूर्तियां रखी जाती थी, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी अब माता लक्ष्मी के जो है पैर, स्वास्तिक के साइन, पहले ये लोग बनाया करते थे, लेकिन आजकल लोग जो है ना इस तरीके की चीजों को खरीद लेते हैं और फिर ले जा करके घर में लगा देते हैं। इससे एक तो टाइम की बचत होती है, दूसरी खूबसूरती भी बहुत ज्यादा आती है इनकी, अलग से ही ये दिखते और चमकते हैं। ये स्वास्तिक का साइन है, हिंदू धर्म में इस साइन का बहुत बड़ा मतलब होता है, बहुत शुभ संकेत देता है, नाम भी इसका शुभ लाभ यहाँ पर है लिखे हुए। गणेश भगवान की भी मूर्तियां हैं और साथ ही साथ रंगोली अगर आप बनाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, ग्लिटर है, रेड, येलो, ग्रीन, हर तरीके के कलर्स हैं। और खास बात यह है कि अगर आपको रंगोली की डिजाइन नहीं आती लेकिन आप रंगोली बनाना चाहते हैं तो उसे बनाने के लिए भी यहाँ पे फ्रेम है। खास करके लोग चाहते हैं, देखिए गणेश की प्रतिमा वाली अगर आप रंगोली बनाना चाहती हैं तो ये है। इसको बनाने का बहुत ही आसान विधि होता है, कहीं भी फर्श पे या कहीं आपको बनाना है वहां रखिए और ऊपर से जो कलर आपको भरना है वो कलर आप गिरा दीजिए, वो कलर भर जाएगा। फिर इसे ऊपर अगर आप उठाएंगे तो वो छाप जो है अंदर रह जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छाप वाली रंगोली बनाने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं अवेलेबल। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दियो की, तो दियो का ट्रेंड भी जो है बदल गया है। सिर्फ मिट्टी वाले दिए ही लोग नहीं, बहुत डिजाइनर्स दिए भी पसंद कर रहे हैं। टेराकोटा को लेकर के भी मैंने आपको बताया और यहाँ पर भी डिजाइनर्स दिए हैं, एक थाल में 7-21 इस तरीके के दिए अगर आप जलाते हैं तो एक ही साथ जला सकते हैं शुद्ध। एक तो ये सबसे अच्छी बात है कि स्वदेशी सामान है ये, निर्मित आपको मिट्टी के ये बने हुए हैं, कोई भी मेटल नहीं है। और इन दियों की खूबसूरती अपने आप में देखते बन रही है, इनकी कलाकारी को मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए कितने खूबसूरत दिए हैं, आपके घर के किसी भी कोने में अगर आप इनको रखेंगे तो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद जरूर लग जाएगा। बहुत ही डेकोरेट करने के आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि दिवाली का मतलब ही होता है सुंदर तरीके से अपने आप को भी सजाना, अपने घर को भी सजाना। किस में चाइना का माल नहीं लगा, हम प्योरली हिंदुस्तानी सामान चाह रहे हैं। हर तरफ चाइना निर्मित वस्तुओं का बॉयकॉट हो रहा है, यहाँ भी बहिष्कार, बिल्कुल बहिष्कार, उसका बहिष्कार चाहते हैं। रेंज की बात करें तो बहुत ही रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे साथ शॉपकीपर है। मैं कलकत्ता जाता हूँ और ये सब मूर्तियाँ मिट्टी की हैं और चाइनीज सामान अब गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया, हम लोग भी डरते हैं चाइनीज सामान रखने का। ये फूल माला सब दिल्ली का है और ये हम गणेश लक्ष्मी कलकत्ते से लेके आते हैं। तो कोलकाता की जो मूर्तियां हैं कृष्णा नगर की, वो वर्ल्ड फेमस है, वहां से ये मूर्तियां आती हैं और ये सामान भी जो सजावट की इन्होंने कहा दिल्ली से आती हैं। अगर आप लखनऊ में हैं और आपको और भी अदर स्टेट के सामान चाहिए, आपकी
घर को सजाने के लिए, तो वह सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। आप आइए, शॉपिंग कीजिए, मौका दिवाली का है इसलिए हम आपको शॉपिंग के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या क्या चीज आप खरीद सकते हैं इसको लेकर के स्पेशल रिपोर्ट हम अपनी दिखा रहे हैं। इस समय कैमरा पर्सन तीर्थंकर गुहा के साथ प्रिया सिंह।